अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम जूम मीटिंग के अंदर जो हमारा अकाउंट होता है उसको पर्सनल अकाउंट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और पर्सनल अकाउंट को करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जूम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जूम की एप्लीकेशन को ऑन करना है और यहाँ पर आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप जूम का अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल के अकाउंट से आना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर आके आपको जिस अकाउंट से उसको लॉगिन होना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद उसके बाद आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, ओपन URL जूम लॉन्चर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है ये गूगल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको न्यू मीटिंग स्टार्ट करनी है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना और न्यू मीटिंग स्टार्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको जो भी मीटिंग करनी होती है उसके लिए आपको सबसे पहले स्केड्यूल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको स्केड्यूल के अंदर सबसे पहले ये टॉपिक का नाम लिखना पड़ता है, फिर स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, ठीक है, कितने मिनट्स की मीटिंग है, और उसके बाद ID और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक कॉपी इनविटेशन होता है, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि अगर किसी को आपने लिंक सेंड करना है मीटिंग ज्वाइन करने का तो वो आप उसको कॉपी इनविटेशन करके वो मीटिंग का लिंक सेंड कर सकते हैं। जब आप मीटिंग का लिंक सेंड कर रहे हैं तो आपके पास नीचे देखें ये आपकी ID नज़र आ रही है और जो आपने यहाँ पर पासवर्ड सेव किया था, जहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पासवर्ड जो सेव किया था ये पर्सनल मीटिंग का नहीं है, ये वो पासवर्ड है जो कि ये जूम खुद जनरेट करता है हर मरतबा न्यू ID से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पर्सनल मीटिंग अकाउंट कैसे बनाना है। आपने यहाँ पर सिंपल न्यू पे आना है और न्यू पे आने के बाद आपने यहाँ लिख देना है यूज़ माई पर्सनल मीटिंग ID, तो आपकी एक परमानेंट ID बन जाएगी। ये परमानेंट ID किस लिए, किस काम के लिए आती है, इसलिए आती है कि आपको हर बार इनविटेशन भेजने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब दिल चाहे अपनी मीटिंग को किसी भी एनी टाइम, किसी भी आप टाइम पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने जैसे उसको इनविटेशन सेंड कर दी, अब आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ से न्यू मीटिंग स्टार्ट करनी है। न्यू मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो भी पर्सन होगा जिसके पास भी वो लिंक गया हुआ होगा वो उस पर क्लिक करेगा लिंक पर, या आपकी जो ID एंड पासवर्ड है वो इंटर करेगा तो आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं जब दिल चाहे अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो मीटिंग है उसको मैंने पर्सनल अकाउंट बना दिया। जैसे मैं अभी यहाँ पर न्यू मीटिंग स्टार्ट करूँगा, मैंने यहाँ पर टाइम सेट किया हुआ 11 PM to 11:30 PM, मैं उससे पहले भी अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं इस मीटिंग को एनी टाइम स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है जिससे मैं अपनी मीटिंग किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त में स्टार्ट कर सकता हूँ। बस मुझे एक मरतबा अपना लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप के ज़रिए अपने फ्रेंड्स या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेंड करना होता है, तो इसके ज़रिए मैं अपनी मीटिंग को कभी भी स्टार्ट कर देता हूँ। बस ये लिंक जो होता है आपके पास वो एक मरतबा जनरेट करने की ज़रूरत होती है, तो मुझे यहाँ पर रिकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती मीटिंग को। मैं एक मरतबा लिंक सेंड कर देता हूँ और अपनी जो मीटिंग है उस टाइम पे मीटिंग जो भी मैंने स्टूडेंट को टाइम दिया होता है उस टाइम पर मैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जब मीटिंग ले लेता हूँ तो यहाँ से मीटिंग को हम एंड भी कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।